दोस्तों, आपने एयरप्लेन के फैन पे यह कर्व लाइन तो देखा होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यह कर्व लाइन क्यों बने होते हैं? दरअसल यह कर्व लाइन एक्सीडेंट से बचने के लिए होता है। असल में पहले के एरोप्लेन में यह कर्व लाइन नहीं बना होता था, जिससे बर्ड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते थे। लेकिन इस कर्व लाइन को पक्षी दूर से ही देख लेते हैं और एयरप्लेन के रास्ते से हट जाते हैं, जिससे बर्ड एक्सीडेंट भी कम हो गया और हम दूर से ही देख कर बता सकते हैं कि इंजन चल रहा है या नहीं चल रहा है। दोस्तों, ये बात साल 1957 की है, जब रशिया के द्वारा लाइका को स्पेस में भेजने की ट्रेनिंग दी जा रही थी और ट्रेनिंग के दौरान यह सबसे ज्यादा देर तक जीरो ग्रेविटी में सर्वाइव किया था। जब 3 नवंबर 1957 को इसे स्पुटनिक 2 से अंतरिक्ष में भेजा जा रहा था, तो शुरुआती के कुछ घंटे सब चीज नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक स्पेस क्राफ्ट में लगे कूलिंग सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जिससे लाइका की कुछ ही देर में ओवर हीटिंग के कारण मौत हो जाती है। और लॉन्च के 162 दिन बाद जब स्पेस क्राफ्ट धरती के ऑर्बिट में री एंटर करता है, तो वायुमंडल में ही स्पेस क्राफ्ट और लाइका दोनों जलकर नष्ट हो जाते हैं। हालांकि 11 अप्रैल 2008 को लाइका के सम्मान के लिए एक स्टैचू बनाकर तैयार किया गया है। दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं, देखने में आपको क्या लग रहा है या किस चीज का इमेज है? अगर आप इस इमेज को गौर से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि एक लड़की मिरर के सामने बैठी हुई है और इसकी परछाई मिरर में बन रहा है, लेकिन 80% लोगों को देखने में यह ह्यूमन स्कल यानी इंसानी खोपड़ी दिखाई देता है। इस गजब सी पेंटिंग को साल 1892 में बनाया गया था, जिसे ऑल इज वैनिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपने कभी सांप के जहर को तो निकालते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सांप के जहर को क्यों निकाला जाता है? दरअसल सांप का जहर जितना खतरनाक होता है, उतना ही यूजफुल भी होता है। जब किसी को सांप काटता है तो उसे ठीक करने के लिए एंटी वेनम दिया जाता है, जो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। इसके अलावा सांप के जहर से कई तरह के दवाइयां भी बनाया जाता है, जो तंत्रिका तंत्र, हृदय संबंधित और रक्त से जुड़ी रोगियों के इलाज में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ज्यादातर फूड ब्रांड अपने लोगों में रेड, येलो और ऑरेंज जैसे कलर यूज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल जब भी हम किसी कलर को देखते हैं तो हमें कुछ अलग सा फील होता है, वैसे ही जब रेड, येलो और ऑरेंज कलर को देखते हैं तो हमें थर्स्टी और हंग्री फील होता है, जो की एक साइकोलॉजिकल है। और रेड और येलो कलर हमारे दिमाग को भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, यही वजह है कि ज्यादातर फूड ब्रांड इन्हीं कलर का यूज करते हैं। दोस्तों, क्या हो अगर हमें कोमोडो ड्रैगन काट ले? दरअसल आपको बता दें कि कोमोडो ड्रैगन का जहर दांतों में होता है और वह जैसे ही हमारे शरीर में मिलता है तो हमारे शरीर से लगातार खून बहने लगता है, क्योंकि इसका जहर खून को नहीं जमने देता है, जिससे समय पर इलाज न मिले तो हमारी मौत भी हो सकती है। हालांकि जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर इसी जहर से बने दवाई का इस्तेमाल करते हैं, ताकि खून न जमे। दोस्तों, हम कैसे जाने कि जो हमें सांप काटा है वो जहरीला है या नहीं? दरअसल एक स्टडी से पता चला है कि ज्यादातर लोगों की मौत सांप के डर से हो जाता है कि हमें सांप काट लिया, लेकिन आप सांप के बाइट को ही देखकर बता सकते हैं कि सांप जहरीला है या नहीं। अगर सांप का बाइट ऐसा है तो वह जहरीला है, और अगर सांप का बाइट ऐसा है तो वह जहरीला नहीं है। दोस्तों, आपने जादूगर को कुछ ही सेकंड में कपड़े चेंज करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कैसे कर लेते हैं? दरअसल जादूगर इस ट्रिक को करने के लिए स्पेशल ड्रेस का प्रयोग करता है, जिसमें कई कपड़े एक साथ सिले होते हैं, और आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं कि कैसे लड़की अपना कपड़ा चेंज कर रही है। यही कारण है कि जादूगर इस ट्रिक को करने के लिए किसी कपड़े या पर्दे का सहारा लेते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि 2011 की आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल में श्रीलंका के विरुद्ध एमएस धोनी छक्का मार के 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीतवाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एमएस धोनी जिस बैट से छक्का मारे थे उस बैट का क्या हुआ? दरअसल आपको बता दें कि इस बैट को आरके ग्लोबल लिमिटेड ने 83 लाख रुपए में खरीद लिया है, जिसके चलते यह बैट दुनिया का सबसे महंगा बैट बन गया और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और 83 लाख रुपए एमएस धोनी के वाइफ की चैरिटी साक्षी फाउंडेशन को दे दिया गया।